अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वी आर हेयर फ्रॉम होम अटायर। और आज की वीडियो में हमारे पास जो हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं आपको वो दिखाएंगे। बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं, आपको ये दिखाएंगे, ठीक है। आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देख सकते हैं हमारे पास ये जो सॉस पैन के आगे जो है वो ये लिड लगाते हैं ताकि जो उसकी ड्रेनेज है वो सही तरीके से हो, ठीक है। ये देख सकते हैं ये हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं ये हमारे पास ग्लव्स अवेलेबल हैं, ये सिलिकॉन के ग्लव्स जो होते हैं, वॉशिंग ग्लव्स, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसके बाद जो है वो ये सिलिकॉन के लिड कवर्स हैं, ये देख सकते हैं 6 पीस का सेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के अंदर अवेलेबल होते हैं ये। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं आप, ये डो मैट जो आता है ये 2 साइज़ के अंदर अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे पास, ठीक है। एक बड़ा है, एक छोटा साइज़ है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपको और मज़ीद दिखाऊँ, यहाँ पर देखें ये क्लोथ पैग्स रखे हुए हैं, ठीक है। ये जो क्लिप्स होते हैं कपड़ों को सुखाने के लिए जो रोप के ऊपर लगते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ के अंदर मिल जाएंगे आपको। अच्छे से अच्छे प्लास्टिक के अंदर भी मौजूद है और स्टील के अंदर भी है, और ये देख सकते हैं ये वुडन के अंदर भी है, ठीक है। और मुख्तलिफ क्वालिटीज़ हैं, कुछ इंपोर्टेड हैं, कुछ लोकल हैं, ये सब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो कुछ क्लीनिंग से रिलेटेड टॉवल्स वगैरह होते हैं, ये देख सकते हैं आप, किचन की क्लीनिंग से रिलेटेड टॉवल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें, सबसे पहले हमारे पास ये आपका मीट हैमर होता है, ठीक है, ये स्टेक वगैरह के लिए बनाने के लिए होता है, पसंदों वगैरह को बनाने के लिए होता है, ठीक है। और ये लाइटर्स देख सकते हैं आप, ये लाइटर है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये गैस लाइटर है, ठीक है, और ये स्पार्क लाइटर है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये पॉट होल्डर्स होते हैं कुछ गर्म पतीली को उठाने के लिए, 2 अलग अलग टाइप के हैं, स्टेनलेस स्टील में भी हैं और जो आयरन होता है लोहे के वो भी हैं, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये नाइफ शार्पनर हमारे पास आपको मिल जाएगा, टिन कटर आपको हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। और ये कबाब वगैरह को फ्राई करने के लिए ये टोंग होता है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। इसमें बीच में जो है वो लाइन दी हुई है, यहाँ से जितना भी ड्रेनेज होगा वो आपका निकल जाएगा, ठीक है। टोस्ट वगैरह को सेकने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं ये ट्री की का चाबी का जो होल्डर होता है, दीवार पे लगाते हैं इसको, उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो चाबियां वगैरह गुम हो जाती है इसमें आप टांग सकते हैं इजीली, ठीक है। उसके बाद ये मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स का जो है ये सेट है, इसमें जो है वो ये क्वालिटी भी है, फिर ये जो है वो ये वाली क्वालिटी भी है, ठीक है, ये देख सकते हैं। ये सब फूड ग्रेडेड मटेरियल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं ये सीजर्स वगैरह आपको हमारे पास मिल जाएंगी कई तरह की, कुछ जो है वो कपड़े वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, कुछ किचन, ज़्यादातर किचन के इस्तेमाल के लिए हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ठीक है, थीके? ये आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं ये कलर्स अगर मिल जाएंगे, ये अलग एक और है, ठीक है। अच्छा, कुछ छोटी सीजर्स होती हैं जो पैकेट वगैरह को काटने के लिए होती है, ठीक है, मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है इसका, ये देख सकते हैं आप कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो है आपको सीजर्स वगैरह मिल जाएंगी। उसके बाद ये पिज़्ज़ा कटर है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, इससे आप पिज़्ज़ा वगैरह को काट सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास कॉफ़ी बीटर है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास चीज़ ग्रेटर वगैरह होते हैं, ये देख सकते हैं आप, चीज़ को जो है वो कद्दूकश करने के लिए, ग्रेट करने के लिए। फिर ये जो है वो कबाब वगैरह का लिफ्टर, कबाब कटर है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देखें। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो है वो फिर यहाँ पर एग कटर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। ये हमारे पास ग्रेटर ये 1 साल के बाद दोबारा आया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चलता है ये, ठीक है। इसमें 3 जो है ना वो हैं आपके पास चॉइसेस, ये देख सकते हैं, ये हैंडल वाला है, मैनुअली आप इसको जो है वो ग्रेड करें, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसमें सब चीज़ें आपकी ग्रेड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो अगर मैं आपको और मज़ीद दिखाऊं तो ये कुछ बिस्किट कटर वगैरह के शेप्स हैं, ठीक है, और बिरूनों का ये पीलर है हमारे पास, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास डोनट कटर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, और केक को डेकोरेट करने के लिए एक डेकोरेटर भी मौजूद है, ठीक है, और ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के कुकी कटर्स ये भी अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये टी स्ट्रेनर है, ठीक है, चाय की छन्नी जो होती है, ये आप देख सकते हैं, बहुत सारी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल होती हैं, ये देखें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ के अंदर, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिमर रिंग वगैरह होता है जो कि गर्म पतीली को रखने के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो ये कुछ माइक्रोफाइबर के टॉवल्स वगैरह हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं हम। ये स्पून्स वगैरह हैं जो कि जार्स वगैरह में आपको चाहिए होते हैं, तो 9 पीस का ये सेट है। और माइक्रोवेव का कवर है, ये देखें, ओवन कवर, अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारे स्टोर पे जो है वो तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो मिल जाते हैं। फ्रिज कवर है, माइक्रोवेव कवर है, ठीक है, ये देख सकते हैं, फ्रिज का इस वक्त ख़त्म हुआ है, माइक्रोवेव का अवेलेबल है। ये सिलिकॉन का लीड कवर जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था, ये देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में भी अवेलेबल है, ये 6 पीस का सेट होता है, ठीक है। और ये शेफ़ की बास्केट जो होती है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, बॉयलिंग वगैरह के लिए या फ्राइंग वगैरह के लिए। और ये माइक्रोफाइबर के टॉवल्स हैं, ठीक है, और ये डस्ट पैन का सेट है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हीट पैड वगैरह आपको हमारे पास मिल जाएंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हीट पैड है। और
उसके अलावा जो है वो यहाँ पर कुछ हमारे पास जो है वो फैब्रिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, पॉट होल्डर हैं, ग्लव्स हैं, ओवन ग्लव्स हैं, ठीक है ना, ये जकोजी सेट है, ठीक है, और ये ब्रेड बास्केट देख सकते हैं आप, ये रोटी बास्केट है, ये ब्रेड बास्केट है, ये भी जो है वो बैग वाली जो है वो रोटी बास्केट है। आजकल सर्दियाँ हैं तो रोटी जल्दी ठंडी हो जाती है। इसी तरीके से ये भी जो है वो इसमें नीचे आपको बास्केट दिया हुआ है, उसके ऊपर जो है वो कवर करते हैं, और ये भी आपकी जो है वो रोटी बास्केट है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद ये आयरन बोर्ड का कवर है। यहाँ पे कुछ ग्रिल पैंस अवेलेबल हैं, ठीक है, और ये सारे जो है वो फ्राइंग पैंस के साइजेस अवेलेबल हैं नॉन स्टिक के अंदर, ठीक है। इसमें हमारे पास सिल्वर और एलुमिनियम में भी आपको हमारे पास मिल जाएगा, ठीक है। ये डीप फ्राइंग पैन है, ये आप देख सकते हैं। ये कुछ तवे लगे हुए हैं यहाँ पे, इसमें हमारे पास हॉट प्लेट भी है, ये देख सकते हैं आप। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास हॉट प्लेट, एक सेकंड, ये मैं आपको दिखाता चलूं तो यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक लगा हुआ है। ये देखें, ये है हमारे पास हॉट प्लेट। हॉट प्लेट में जो है वो साइड्स जो होती हैं बेसिकली वो थोड़ी सी बाहर की तरफ होती हैं। इसमें आप जो है वो फ्राइंग वगैरह भी कर सकते हैं, पराठे वगैरह पका सकते हैं थोड़ा सा, यानी शैलो फ्राइंग जो होती है वो भी कर सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है ना। डीप फ्राइंग नहीं, जस्ट शैलो फ्राइंग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, सिलिकॉन के अंदर, सॉरी नॉन स्टिक के अंदर पूरी रेंज है, स्पून की रेंज है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये तमाम आप जो है वो नॉन स्टिक के बर्तनों पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो ये कुछ मेलामाइन के अंदर है, ठीक है, ये देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो ये फ्राइंग करने के लिए जो है वो फ्रायर्स स्पून हमारे पास अवेलेबल हैं, पकौड़े वगैरह या समोसे वगैरह फ्राई करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बीटर्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, डिफरेंट तरह के आपको बीटर्स मिलेंगे, विस्क मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इस सिलिकॉन की पूरी स्पून रेंज अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारे पास मिल जाएगी, ठीक है। ऑयलिंग के ब्रश होते हैं, स्पैचुलाज होते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। कुकिंग के स्पून होते हैं, ये सब आपको हमारे पास मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ फ्राइंग के स्पून भी होते हैं, ये भी आपको हमारे पास मिल जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको और मज़ीद जो प्रोडक्ट्स हैं आपको वो दिखाऊं तो यहाँ पे मैं आपको नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पर कुछ हमारे पास कटिंग बोर्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये कटिंग बोर्ड्स वगैरह हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में, वुडन के अंदर भी हैं। और उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास ट्रेज़ वगैरह रखी हुई हैं, कुछ सॉसेस की हमारे पास जो है वो छोटी प्यालियाँ हैं, ये देख सकते हैं ट्रेज़ वगैरह। और इसके अलावा जो है वो आप ये ट्रेज़ देखें, ठीक है, और ये बच्चों के लिए भी ट्रेज़ अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, बाकी ये शीशे से रिलेटेड क्रॉकरी का सारा सामान अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन ये है कि ये आपको डिलीवर नहीं होगा, ये आपको कराची में हमारे स्टोर पर आना पड़ेगा, ठीक है। हमारा स्टोर, इट इज़ वन ऑफ़ दी ओल्डेस्ट हाउस होल्ड स्टोर बेस्ड इन कराची, मोर देन 50 ईयर्स ओल्ड पुराना स्टोर है अलहमदिल्ला हमारा, ठीक है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास सॉल्ट एंड पेपर से रिलेटेड भी वैरायटी अवेलेबल है। अच्छा, ये बहुत सारी जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मुश्किल हो जाएगा एक ही वीडियो में सबको कवर करना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो ये पूरा पोर्शन जो हमारा रह गया है इसको मैं ज़रूर कवर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल होम अटायर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इसी तरीके से आपको तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम वीडियोस में जो है वो दिखाते हैं आपको, और नया नया कलेक्शन आता रहता है आपको वो भी दिखाते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि क्रॉकरी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें उनका इंटरेस्ट है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन होती हैं उनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बेकिंग से रिलेटेड आइटम्स भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो ये सब आपको दिखाएंगे। तो जनाब, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल होम अटायर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगली वीडियो में और मज़ीद जो हाउस होल्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।